गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं 2 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों से डिस्कस करूंगा और उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में भी जानूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों यहां पर बात हुआ है टीम 11 का, तो टीम 11 के बारे में हम लोग जान लेते हैं आखिर टीम 11 है क्या। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कई विभागों को जोड़कर 11 समितियां बनाई हैं और हर समिति को खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे जो लोग जहां पर हैं वो लोग वहीं पर रहें, इधर उधर न भटकें, और जो मजदूर लोग हैं उनको समय पर सहायता मिले, इसी तरह के जिम्मेदारी के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टीम 11 का गठन किया है। अब टीम 11 का गठन किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि BJP पार्टी से हैं, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें 80 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में 31 सीटें हैं और सॉरी राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा एक पड़ोसी राज्यों से मिलती है जिसका नाम है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली और बिहार, इन 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा मिलती है। उत्तर प्रदेश के केवल 2 नेशनल पार्क हैं, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत नेशनल पार्क। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में 5 फरवरी 2020 से 9 फरवरी 2020 के बीच किया गया है और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब है। भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में खोला जाएगा। और भारत का पहला हेल्थ ATM कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला हेल्थ ATM उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में खोला गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में खोला जाएगा। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत का पहला हाथी अस्पताल उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताता हूं दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखा करिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज होगा और साथ ही आपका स्टैटिक GK का पोर्शन भी मजबूत होगा। आइए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के किस डिप्टी गवर्नर को 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो को दोबारा 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है।
अब बीपी कानून बने हैं आरबीआई के दोबारा डिप्टी गवर्नर, तो आरबीआई के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। आरबीआई भारत की पब्लिक सेक्टर की एक बैंक है, यानी कि गवर्नमेंट बैंक है, जिसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और आरबीआई का मुख्यालय है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में, और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिनके नाम है एनएस विश्वनाथन, वीपी कानूनगो, एमके जैन और माइकल देवप्रभा पात्रा। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। आइए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है। तो अभी हाल ही में एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 3.5% कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। जीडीपी, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जीडीपी किसी भी वर्ष किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को जीडीपी कहा जाता है, यानी कि किसी भी वर्ष जो उत्पादन होता है और उस उत्पादन और वस्तुओं के उत्पादन का जो कुल कीमत होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसके अलावा अभी 2 रेटिंग कंपनियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट की है। क्रिसिल ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.5% क्रिसिल ने बताया है, और जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को 2.6% बताया है। तो साथ ही में आप लोगों को क्रिसिल ने बताया 3.5% भारत की जीडीपी ग्रोथ 2020-21 के लिए, और एसबीआई बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को बताया 2020-21 के लिए 2.6%, और एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने बताया है 3.5%। और जीडीपी के बारे में भी हम लोगों को पता चल गया। अब आइए जान लेते हैं एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स के बारे में डिटेल में। तो एस एंड पी ग्लोबल अमेरिका की एक रेटिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1917 में, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और एस एंड पी के संस्थापक हैं जेम्स मैकग्र, और सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डाउग्लो पीटरसन। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर नया टर्म आया व्हाट्सएप और ICICI बैंक, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ICICI बैंक के बारे में, जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ICICI बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, और वर्तमान समय में ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। अब जान लेते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप एक मोबाइल ऐप है, जिसके जरिए हम वीडियो कॉलिंग और चैटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2009 में, और व्हाट्सएप का मुख्यालय है यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया शहर में, और वर्तमान समय में व्हाट्सएप के सीईओ हैं जॉन कॉम। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है।
अब बात कर लेते हैं गृह शिक्षण कार्यक्रम के बारे में। इस कार्यक्रम के तहत गुजरात सरकार ने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो अभी लॉकडाउन की वजह से कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि 14 अप्रैल तक पूरे भारत में लॉकडाउन है। इसी की वजह से गुजरात गवर्नमेंट ने गृह शिक्षण कार्यक्रम को लागू किया है। अब गुजरात राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला है। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है विक्रमनाथ। गुजरात का एक पड़ोसी देश है, तो गुजरात का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, यानी कि गुजरात राज्य की सीमाएं राजस्थान राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से और महाराष्ट्र राज्य से मिलती है। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, यानी कि गुजरात राज्य की जो समुद्री तट की रेखा है वो भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है, जिसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं गुजरात राज्य के नेशनल पार्क के बारे में। गुजरात राज्य में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेंगे। अब गुजरात राज्य से जुड़े कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। भारत का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला डायनासोर पार्क गुजरात के महीसागर शहर में खोला जाएगा। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खोला जाएगा? भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल शहर में खोला जाएगा। भारत का पहला CNG टर्मिनल गुजरात के भावनगर शहर में खोला जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर हाइट की है, यह मूर्ति किसकी है? तो यह मूर्ति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और यह स्टैचू गुजरात के नर्मदापुर जिले के केवड़िया कॉलोनी में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस देश में है? तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फूड हेल्पलाइन नंबर 155214 लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने फूड हेल्पलाइन नंबर 155214 को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब फूड हेल्पलाइन नंबर क्यों जारी किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। इस फूड हेल्पलाइन नंबर की मदद से गरीब तबके और दिहाड़ी मजदूरों को भोजन मुहैया कराया जाएगा, यानी कि कर्नाटक गवर्नमेंट की ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो अब कर्नाटक राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजूभाई वाला। और कर्नाटक राज्य से आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर? तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है, तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक राज्य की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं, जिनमें महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन्हीं 5 राज्यों से कर्नाटक राज्य की सीमा मिलती है। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। अब विधानसभा में वर्तमान समय में 224 सीटें हैं, लेकिन टोटल 225 सीटें हैं।
आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से नाटो के सैन्य गठबंधन का 30वां सदस्य बन गया है। तो अभी हाल ही में नॉर्थ मेसेडोनिया देश आधिकारिक रूप से नाटो सैन्य गठबंधन का 30वां सदस्य बन गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है नाटो का, तो नाटो सैन्य संगठन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे नॉर्थ मेसेडोनिया देश के बारे में भी। आइए सबसे पहले जानते हैं नाटो के बारे में। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स शहर में। और नाटो के महासचिव वर्तमान समय में जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ मेसेडोनिया देश के बारे में। नॉर्थ मेसेडोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है स्कोपजे और यहाँ की मुद्रा है मेसेडोनियन दिनार। और नॉर्थ मेसेडोनिया के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में जोरान जव और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सटोओ पेंडारोवस्की। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कामराजार पोर्ट लिमिटेड में अपनी 66.67% की हिस्सेदारी 2383 करोड़ में बेच दी है। ये बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने कामराजार पोर्ट लिमिटेड में अपनी 66.67% हिस्सेदारी 2383 करोड़ में बेच दी है। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों तमिलनाडु राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के नाम क्या है? तो तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम है मद्रास उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि तमिलनाडु राज्य की सीमाएं केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से मिलती है। तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। हाल ही में राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य ने अपना स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। राजस्थान ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो राजस्थान राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश गुजरात हरियाणा उत्तर प्रदेश पंजाब। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत का थार रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में अमेरिका में नेशनल डॉक्टर्स डे 30 मार्च को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है तो अपने इंडिया में कब मनाया जाता है? तो भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है अमेरिका में 30 मार्च को मनाया गया है और अपने भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अब ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिका में 30 मार्च को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है और यह दिन सभी डॉक्टरों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है।
हम मनाया है अमेरिका ने, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका को यूएसए भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में स्पेन देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक नया टर्म आया है, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमें पता है कोरोना वायरस एक घातक वायरस है जो कि चीन के वुहान क्षेत्र से पूरी दुनिया में फैल गया है, और इसे WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसे महामारी घोषित कर दिया, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में तबाही मची हुई है। और WHO ने कोरोना वायरस को COVID-19 नाम से बुलाता है, यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को COVID-19 नाम दिया है। तो स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हुआ है। तो स्पेन देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है मैड्रिड, और यहाँ की करेंसी है यूरो, और प्रधानमंत्री हैं स्पेन के पेड्रो सांचेज। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता जोसेफ लोरी का निधन हुआ, वे किस देश के थे? तो अभी हाल ही में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता जोसेफ लोरी का निधन हुआ है, वे अमेरिका देश के थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बाबर 2 मिसाइल का परीक्षण असफल रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है दोस्तों। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।